यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज के जंजैली में लोगों का प्रदर्शन जारी है। हालांकि मंगलवार को 144 धारा हटा दी गई थी क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने यह विश्वास दिलवाया था कि वे प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हालांकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे लोगों को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन उसके बाद लोग इस बात पे अड़े हैं कि एसडीएम का कार्यालय यहीं पर रखा जाए। स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप जंजैली में रोष रैली निकाली और जहां एसडीएम बैठे हुए थे उस कार्यालय का घेराव भी किया। सीएम जयराम ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीएम मुर्दाबाद के नारों के साथ ही चोर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मंगलवार को जंजैली में काफी बर्फ गिरी हुई थी, लेकिन लोग इस कड़कड़ाती ठंड में भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से बाज नहीं आए। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि सरकार ने राजनीति करके एसडीएम कार्यालय को जंजैली से धुनाक शिफ्ट किया है और इस बात का तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांग को मानते हुए एसडीएम जंजैली के कार्यालय को यथावत नहीं रखेगी। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि लोगों का सड़कों पर उतरते ही जयराम ठाकुर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है और भविष्य में जयराम ठाकुर को बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।